सुमित हल्दर टेक सपोर्ट चैनल, मैं हूं सुमित और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं अनबॉक्सिंग वीडियो एक बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर का। मेरे पास है अनबॉक्सिंग का जो बॉक्स वीडियो होगा इसके बारे में और डिटेल्स में रिव्यू करूंगा। और ज़रा वीडियो के साथ बने रहिए, तब जाके आपको सारे डिटेल्स पता चलेगा और देखने को भी मिलेगा इसका साउंड टेस्टिंग वगैरह ऑक्स केबल की मदद से। और बेस्ट पोर्ट्रॉनिक्स का स्पीकर है इसमें और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अभी मुझे मिला है, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया है आज, ये नेक्स्ट डे मिलना था तो ये पहले ही डिलीवर हो चुका है अमेज़न की तरफ से। और इसके अंदर से यही निकलता है, जितना सोचा था उससे भी कहीं छोटा है। आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ, ये जो डिज़ाइन देख रहे हो आप यही है पोर्ट्रॉनिक्स का ये ब्लूटूथ स्पीकर। और यहाँ पर क्या डिटेल्स दिया गया है देखते हैं। ये सील्ड है, साउंड पॉड है ब्लूटूथ स्पीकर पोर्ट्रॉनिक्स का साउंड पॉड। और यहाँ पर वैसे तो कुछ नहीं है दिखाने वाला चीज़। और चलिए अनपैक करते हैं। और इसका प्राइस लिया गया था मुझे 1150 रुपये अमेज़ॉन से लिया था। तो बॉक्स के अंदर ये स्पीकर है, ठीक तरीके से पार्सल किया गया, ये हाथों में आ जाता है, ग्लास की तरह है। अब अगर जो ग्लास में पीते हो या फिर पानी वगैरह चाय वगैरह पीते हो वही कप या ग्लास की तरह ही साइज है इसका। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो बाकी क्या कंटेंट मिलेगा बॉक्स के अंदर वही देखना है। तो जैसे कि एक यूज़र गाइड, एक वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये है यूज़र मैनुअल जो दिया गया है। तो इसे मैं साइड पे रखता हूँ और क्या निकलता है। इसके अंदर से दो केबल मिलता है, एक दिया गया है एक छोटा सा ऑक्स केबल और एक दिया गया है चार्जर। तो ये रहा चार्जर, माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी चार्जर, काफ़ी सॉफ्ट है और क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छा है क्योंकि जस्ट चार्ज देना है स्पीकर को, 3 से 3.5 घंटे तक चार्ज होने पर ये फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑक्स केबल मिलता है इसका क्वालिटी एवरेज है, जैसे कि ये माइक्रो यूएसबी चार्जर का है सेम क्वालिटी का ही है। और ये दोनों फ्री में मिलता है। और ये रहा मेन ब्लूटूथ स्पीकर जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यूनिक है डिज़ाइन। और ये टेस्ट करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा अगर चार्ज रहा तो। यहाँ पर ज़रा देखिए, इसमें दिया जाता है रबर फिनिश और यहाँ पर ऑक्स केबल दिया जाता है। ऑक्स केबल के मदद से प्ले करने पर ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है, 6 से 7 घंटे तक बैटरी बैकअप मिलेगा। और आप अगर ब्लूटूथ से प्ले करते हो तब जाके आपका जो बैटरी बैकअप है मिलने वाला है करीब 5 से 6 घंटे तक। और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट है चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पर रिसेट पिन दिया गया है। यहाँ पर ये जो होल है माइक्रो यूएसबी पोर्ट के पास में साइड पे, ये रिसेट पिन है रिसेट करने के लिए। और यहाँ पर साइड में माइक दिया गया है पीछे, ये माइक है। तो ऑक्स केबल की मदद से आप प्ले कर सकते हो यहाँ पर। तो ये रहा, तो बॉडी जो है काफ़ी हद तक प्रीमियम लुक दे देता है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको पूरी तरह से एक वुडन बॉक्स, ये वुड से बना हुआ है, इसका साइड ये कवर वुड से बनाया गया है और ये डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। तो यहाँ पर ऊपर मेटल दिया गया है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें स्प्लैश प्रूफ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। और काफ़ी हद तक यूनिक स्पीकर है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। और ऑन ऑफ स्विच जो है यहाँ पर, जैसे कि दिख पा रहे हो यहाँ पर रबर दिया गया है जैसे कि ग्रिप हो ज़मीन पर, तो इसे ऑन करना पड़ेगा ऐसे। पावर ऑन, तो ये पावर ऑन हो चुका है, मैसेज भी दे रहा है। चलिए एक प्ले करके देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं। तो पावर ऑन
होता है तो यहाँ पर एक ब्लिंक करता हुआ ब्लू लाइट दिख रहा है शायद आपको, हल्का हल्का सा, तो यहीं से आपको पता चलता है कि ऑन है। और चार्जिंग के वक्त क्या नोटिफिकेशन डालता है वो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ। यहाँ पर आ गया है साउंड पॉट का जो नोटिफिकेशन ब्लूटूथ पर, ये पेयर हो रहा है, ये कनेक्टेड हो चुका है, मैसेज भी मिल रहा है। तो चलिए एक YouTube का वीडियो प्ले करते हैं, पता करते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो इसमें और कोई स्विच नहीं दिया गया है, जैसे कि इसका लाउडेस्ट मोड पर ही आपका साउंड रहेगा। आप अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो वॉल्यूम को, तब जाके मोबाइल या फिर आपके दूसरे डिवाइस से करना पड़ेगा जिससे ये कनेक्टेड हो। मैं यहाँ पर प्ले करूँगा मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है इसको। फिर से वेलकम टू सुमित हल्दर टेक सपोर्ट चैनल। मेरा नाम है सुमित और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया मोबाइल का मोबाइल के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि i2 है, यानी सेकंड वाला वर्जन, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये फोन। और सारे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मैं प्राइस के साथ आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दिया जाएगा। ये अवेलेबल हो चुका है, सेल स्टार्ट हो गया है, आप जल्दी से चाहो तो खरीद सकते हो। उसके पहले एक नजर डालो मेरे वीडियो पे और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आप अगर नए हो इस चैनल में तो जरूर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, तो पता चलेगा तो पहले ही बता दूं, आयुमी एमआई i2 ये नया मोबाइल है। पिछले वाला जो एमआई जो आई वर्जन था i1, तो बहुत ही अच्छा मोबाइल था, और फिर से ये अपडेट किया गया है, यानी नया वर्जन निकल गया है। और यहाँ पर 1000 mAh का बैटरी होगा और एंड्रॉइड ओडिया उससे पहले तीर मारा था आसूस जेनफोन ने, और उसके पहले मारा था रियल। आपको पता ही चल गया है होगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बहुत ही ज्यादा और क्लियर साउंड है, और बेस भी काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि मैंने जब बेस का जो मेरा बीट था मेरे वीडियो पर, तब जाके वेलकम स्क्रीन का जो बीट था वो बहुत ही अच्छा सुनाई दे रहा था। पर यहाँ पर मुझे थोड़ा लैग महसूस हुआ, जैसे कि मैं प्ले कर रहा था जो बातें आगे हो रहा था, यानी सुन पा रहा था लेट पे, और पहले ही लिप्स जो है नहीं मिल रहा था, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। और आप अगर गाना वगैरह प्ले करते हो तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और अगर आप ऑक्स केबल से प्ले करोगे तो तब जाके शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर मुझे ये बहुत ख़राब लगा। और इसका ये शायद एक ही कॉन है। चलो ऑक्स केबल की मदद से प्ले करता हूँ, देखता हूँ कैसे साउंड आता है। ऑक्स केबल तो डालने से ही नोटिफिकेशन आ जाता है, तो डाल दिया है। फिर से वेलकम टू सुमित हल्दर टेक सपोर्ट चैनल, मैं हूं सुमित। और कॉन्फ़िगरेशन जो है बेस्ट दिया गया है इस प्राइस रेंज में, और कहीं नहीं मिलेगा अब तक का बेस्ट टैबलेट। यहां पर तो ठीक ठाक चल रहा है, और जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो बराबर सेम ही है ब्लूटूथ या फिर ऑफ केबल की मदद से, सेम क्वालिटी की आवाज़ ही निकलता है, और बहुत ही अच्छा क्लियर साउंड है, और बेस भी काफ़ी अच्छा है। और होप आपको ये स्पीकर अगर खरीदना हो और अच्छा लगा हो और खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हो। यहाँ पर और कोई ख़ास बात तो नहीं है स्पीकर पे, सिर्फ इसका साउंड ही मेन है, और इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट स्पीकर है, जैसे कि साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा, और आप लोगों को पता ही होगा कि इसका क्वालिटी कैसा है। और आप अगर खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से खरीदो तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और यहाँ पर जो खामियाँ दिखी मुझे,
वो अलग से कोई एसडी कार्ड या फिर जो यूएसबी पोर्ट नहीं दिया गया है, एसडी कार्ड के मदद से अगर प्ले करना हो तो आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने मोबाइल या फिर डिवाइस जो है कंप्यूटर से प्ले करना पड़ेगा ऑस केबल के मदद से और या फिर ब्लूटूथ के मदद से। और आपके पास अगर दोनों ही नहीं है तो आप प्ले नहीं कर पाओगे पेन ड्राइव या फिर माइक्रो एसडी कार्ड से। आपके पास अगर पेन ड्राइव या माइक्रो एसडी कार्ड के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है प्ले करने के लिए, यानी स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन को छोड़ो आप बेसिक फ़ोन से भी प्ले कर सकते हो, और आपके पास फ़ोन तो होगा ही, आप प्ले कर सकते हो वहीं से। और बहुत ही अच्छा साउंड है, मुझे अच्छा लगा। पर यहाँ पर जो लैग हो रहा था ब्लूटूथ के मदद से, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम ब्लूटूथ से ही ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह प्ले करना अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि ये साउंड दूर से आता है, बहुत ही वाइब्रेशन होता है, अच्छा लगता है। और ये वाइब्रेट होता है जब, यानी साउंड जो बीट पड़ता है बेस के वजह से ये हिलता है, और बेस काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा बेस है। और वुडन बॉक्स के लिए इसका क्वालिटी तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हाई किया गया है, और इसका साउंड भी अच्छा निकलता है। होप आपको ये सारी जानकारी मिलकर अच्छा लगा होगा, और मैं अगर और भी वीडियो लाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, तब जाके आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पहले ही देख चुके होगे सारे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोजाना इस तरह का कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियोज लाता हूँ और आपको देखना जरूरी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड बाय।